हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने दांतों को स्ट्रांग बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं, वाइट बना सकते हैं, बिल्कुल क्लीन किस तरीके से कर सकते हैं, अपने दांतों में से सड़न दर्द की प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, पुराने जमाने में हमारे पास जब डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे तो लोग किस तरीके से अपने दांतों का इलाज करते थे, घरेलू नुस्खों का उपयोग करते थे अपने दांतों को ठीक करने के लिए। और उनमें से एक नुस्खा मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपके दांतों को बिल्कुल क्लीन कर देगा। आपको डेंटिस्ट के पास जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल घर पे ही बैठे बैठे यह आपके दांतों को ठीक कर देगा। अगर आपके दांत में दर्द है, सड़न की प्रॉब्लम है, कीड़े हैं, काले हैं, आपके दांत पीले हैं, सारी प्रॉब्लम आपके दांतों में से दूर हो जाएगी। तो बिना किसी देर के इस नुस्खे को बनाने स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को। तो आपको यहाँ पे एक क्लीन बाउल लेना है और फर्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारे यहाँ पे अदरक यानी कि जिंजर। फ्रेंड्स, ये हर किसी के घर में होता है, हम इसका खाने में भी यूज करते हैं, खाने में स्वाद आता है और ये हमारे दांतों को भी स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है। आपको पता नहीं होगा कि कितने ज्यादा अच्छा होता है दांतों के लिए। इसका रस अगर आप अपने दांतों में यूज करते हैं तो आपके दांतों में से दर्द एकदम दूर हो जाता है। अगर आप दांत काले होते हैं तो वो दूर हो जाते हैं, दांत एकदम व्हाइट हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, सड़न की प्रॉब्लम दूर होती है दांतों में से, कीड़ों की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे 3 से 4 दिन के हिसाब से और अपने दांत के अकॉर्डिंग अदरक ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इतना अदरक लिया है और इसको कद्दूकस करके हम एक क्लीन बाउल में निकाल लेंगे। तो मैंने आप इसको कद्दूकस करके ले लिया है, आप देख सकते हैं ये अकॉर्डिंग मेरे दांतों के हो गया है और 3 दिन के हिसाब से भी। सेकंड इंग्रेडिएंट है हमारा यहाँ पे बेकिंग सोडा। फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा आपको पता है कि ये कितना अच्छा होता है दांतों के लिए, ये दांतों को एकदम क्लीन करने में बहुत हेल्प करता है, दांतों को बिल्कुल व्हाइट और स्ट्रांग बनाता है, इसलिए मैं इसका यूज कर रही हूँ। तो हम यहाँ पे आधी चम्मच के करीब जो है बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, ये छोटी चम्मच है इसलिए मैं इसके आधी चम्मच के करीब ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हम यहाँ पे टूथपेस्ट ऐड करेंगे, आप कोई सा भी ले सकते हैं। बस थोड़ा ही ऐड करना है, ज्यादा नहीं। और अब ऐड करेंगे यहाँ पे टमाटर जूस यानी कि टमाटर का रस। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे किस तरीके से अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, आपको इसे ब्रश की सहायता से इससे अपने दांतों पे ब्रश करना है। लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छे से आप ब्रश कीजिए, इसका टेस्ट बहुत बुरा होगा लेकिन फायदे बहुत अच्छे होंगे, यकीन मानिए। केवल 5 दिन के अंदर अंदर ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। एक बार के इस्तेमाल करने से ही आपके दांत एकदम व्हाइट हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट ब्रश करने के बाद जब आप कुल्ली करेंगे आपके दांत एकदम व्हाइट और क्लीन हो चुके होंगे। और फिर आपको इसको हफ्ते में 5 बार जरूर यूज करना है अपने दांतों पे। अगर आपको इसका बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो इससे आपका दर्द भी एकदम गायब हो जाएगा, सड़न दर्द कीड़े की प्रॉब्लम है वो सभी दूर हो जाएगी, यकीन मानिए। बहुत अच्छा नुस्खा है, इसको लोग पुराने जमाने में भी यूज करते थे अगर दांत में कोई प्रॉब्लम होती थी तो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, साथ ही मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इसका रिजल्ट किस तरीके का मिला है एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, पास से बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई आपकी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसको नोटिफिकेशन करने से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।